टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सर्वानंद शॉपिंग मॉल में कार्रवाई की और इसे सील कर दिया है। करीब 2 दर्जन लोग इस शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। मामला मध्य प्रदेश के रतलाम न्यू रोड 2 बत्ती के पास ये शॉपिंग मॉल है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ने की वजह से प्रशासन ने 31 मई तक लॉकडाउन लगाया था, जबकि 10 दिन के लिए कड़ी पाबंदी लगाई गई थी। ऐसे में सर्वानंद शॉपिंग मॉल में 2 दर्जन लोग शॉप कर रहे थे और प्रशासन का आमला जब पहुंचा तो यहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि प्रशासन ने मॉल को सील कर दिया है और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। तस्वीरें शॉपिंग मॉल के अंदर की है, जहां कड़े नियम लागू होने के बाद का ये नज़ारा है। दर्जनों लोग इस शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं और लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। 31 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग शॉपिंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। रतलाम तहसीलदार कैलाश डामर नायब ने इस कार्रवाई के बारे में क्या जानकारी दी है। मध्य प्रदेश रतलाम से हुसैन खान की रिपोर्ट। बाजार में भ्रमण के दौरान हमें ये सदानंद जो शोरूम है मार्केट, ये खुला पाया गया और पीछे आके देखा तो कुछ ग्राहक सामान लेते जाते दिखाई। इसके तहत हमने अर्थदंड चालानी कार्रवाई करके दुकान को सील कर दिया गया है और नियमानुसार 188 तारीख की। सर कितने का चालान किया गया है? 10,000 का चालान जुर्माना किया। सर देखने में आया है कि इधर लॉक लगा हुआ, लेकिन इसका कुछ अंदर है कुछ बाहर कर दिया गया है और पास का जो शटर है वहाँ पर भी आपने चस्पा नहीं किया, कुछ बाहर का भी हिस्सा खुला छोड़ा है वहाँ पर भी कुछ चस्पा नहीं किया है, तो किस प्रकार की कार्रवाई दिख रही है? पीछे जो हमने सील कर दिया है, अगर आगे खुला है तो हम जाके अभी सील कर रहे हैं, बाकी सील कर देंगे। सर आपने जो सील करा है अंदर, अभी भी जो ओनर है वो भी अंदर मौजूद है और स्टाफ भी मौजूद है, क्या इस तरीके से सील कर सकते हैं कि अधूरा अंदर नहीं? अगर अंदर कोई रह गया है तो हम अभी दिखा के उसको निकलवा सर अंदर दिखवा लेते हैं इसको।